हेलो एवरीवन, आई एम हेमलता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर सेकंड ऑफ क्लास फोर्थ आरबीएससी बोर्ड। तो देखिए, हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है वो इंग्लिश की बुक का है, आरबीएससी बोर्ड की, और ये सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं यार। ईच वन इज़ यूनिक, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो यूनिक होता है। यूनिक मीन्स आप समझते ही हैं, यूनिक होता है जो बिल्कुल विशेष होता है, जो सबसे अलग होता है। तो यूनिक मीन्स आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, हुज पिक्चर इज़ दिस। ये जो पिक्चर है आपको इस में दिख रही है, एक पिक्चर है, वो किसकी है? हुज पिक्चर इज़ दिस, ये जो पिक्चर है वो किसकी है? देवेंद्र झाझरिया। ये पिक्चर जो है आपको इमेज नज़र आ रही है, ये पिक्चर है देवेंद्र झाझरिया की। अब ये देवेंद्र झाझरिया कौन था, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हैज़ ही लॉस्ट हिज वन हैंड, क्या इन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था? हैज़ ही लॉस्ट हिज वन हैंड, क्या इन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था? बिल्कुल, हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे। इनका जो एक लेफ्ट हैंड था वो कट चुका था। लेटर्स रीड द फॉलोइंग स्टोरी, चलिए इस पूरी कहानी को नीचे से पढ़ते हैं। इट नरेट्स हिज अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ, ये जो कहानी है वो हमें इनकी अचीवमेंट्स यानी कि इनकी उपलब्धियों को बताएगी। अचीवमेंट्स होती है उपलब्धियां जो इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की। चैप्टर, देवेंद्र झाझरिया वॉज बॉर्न, देवेंद्र झाझरिया जो थे उनका जन्म हुआ था इन 1981 के अंदर, एंड ही इज फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, और राजस्थान के वो चूरू डिस्ट्रिक्ट से, चूरू जिले से बिलोंग करते थे। यानी जो देवेंद्र झाझरिया, उनका जन्म हुआ 1981 में और ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में से थे राजस्थान के। एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल के थे, मात्र 8 साल के, वाइल क्लाइंबिंग अ ट्री ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक केबल, जब वो एक पेड़ पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने एक लाइव जिसमें करंट आ रहा था, इलेक्ट्रिक केबल जो बिजली की तार थी, उसको उन्होंने छू लिया, यानी वे उसके टच में आ गए। तो आप बिजली के जब केबल को छुएंगे तो ऑब्वियसली करंट लगेगा, और करंट बहुत ज़्यादा तेज था। ही रिसीव्ड मेडिकल अटेंशन, उन्हें मेडिकल अटेंशन भी मिली, यानी उन्हें जो डॉक्टरी देखभाल है वो भी उन्हें मिली। लेकिन द डॉक्टर्स हैव टू कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, लेकिन जो डॉक्टर्स थे उनको उसके लेफ्ट हैंड को काटना पड़ा। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन वे कॉन्फिडेंट थे, पूरी तरह से उनमें दृढ़ निश्चय था। एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, और वे जो थे वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उनको बहुत रुचि थी स्पोर्ट्स के अंदर। ही ज्वाइंड अ स्पोर्ट्स अकेडमी, उन्होंने एक स्पोर्ट्स अकेडमी जहाँ पर खेल कूद वगैरह के बारे में, गेम्स के बारे में सिखाया जाता है, उस अकेडमी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया इन 2002 के अंदर। झाझरिया वॉन द गोल्ड मेडल इन कोरिया, कोरिया के अंदर झाझरिया ने, जो देवेंद्र झाझरिया थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन 2004 झाझरिया क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट समर पैरालंपिक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज एथेंस, जो झाझरिया थे इन्होंने क्वालिफाइड कर लिया फर्स्ट समर में। फर्स्ट समर पहली जो पैरालंपिक्स रिप्रेजेंट करते थे एथलेट्स को, जो थोड़ा उसमें उन्होंने क्वालिफाइड कर लिया। एट दिस गेम ही सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन, और इस गेम के अंदर इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन जैवलिन थ्रो। जैवलिन आप जानते हैं जो ये फेंक रहे हैं, इसको जैवलिन कहते हैं। तो जैवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और इन्होंने कितनी दूर तक फेंका, एट अ डिस्टेंस 62.15 मीटर, इन्होंने 62.15 मीटर तक इस जैवलिन को फेंक कर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एंड गॉट द गोल्ड मेडल, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। एंड ही बिकेम द ओनली सेकेंड गोल्ड मेडलिस्ट एट द, और ये बन गए सिर्फ सेकेंड नंबर के पैरालंपिक ऑफ हिज कंट्री, अपने देश में गोल्ड मेडल जीतने वाले। ही सक्सेस इन एथेंस ऑनर, जो एथेंस थे उनके अंदर इनकी सक्सेस को ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। ऑनर का मतलब हो जाता है सम्मानित, विद 2004 अर्जुन अवार्ड, और कैसे सम्मानित किया गया, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया 2004 के अंदर। ही रिसीव्ड इंडियाज प्रेस्टीजियस, इनको जो इंडिया भारत का जो सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री भी मिला इन मार्च 2012 के अंदर फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके थ्रू इन्हें जो पद्मश्री अवार्ड था वो भी मिला 2012 के अंदर।
और बिकेम द फर्स्ट पैरामिलियन टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड, और इन्हें फर्स्ट पैरामिलियन के अवार्ड से भी ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया। ही हैज़ रिसेंटली वॉर्न अ सिल्वर मेडल, इन्होंने अभी कुछ ही समय पहले यानी 2015 के अंदर सिल्वर मेडल भी जीता एट दोहा कतार, दोहा के अंदर, कतार के अंदर जगह का नाम है दोनों ही। अब देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस का। चलिए देखते हैं, वेयर वॉज देवेंद्र झाझरिया बॉर्न, देवेंद्र झाझरिया थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, हमने पढ़ा ना, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन राजस्थान। देवेंद्र झाझरिया वॉज बॉर्न इन चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। वाई वॉज हीज हैंड कट ऑफ, इनका जो हाथ था वो क्यों कटा, बिकॉज ही टच द लाइव इलेक्ट्रिक केबल, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, लाइव इलेक्ट्रिक केबल को छू लिया था। फॉर व्हाट डिड ही गेट गोल्ड मेडल इन 2004, उन्हें 2004 के अंदर गोल्ड मेडल क्यों मिला, 2004 में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था ना, यहाँ पर देखिए, ही सक्सेस इन एंथेंस अवार्ड हिम विद 2004 अर्जुन अवार्ड, इन्होंने क्या किया था 2004 में जो था अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। और जो नेक्स्ट है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा कि 2004 में इन्होंने जेवलिन थ्रू की थी, कहाँ पर, 62.15 मीटर में, तो इसीलिए इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, व्हेन ही वाज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें कब नवाजा गया, ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2012 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर्स का जो क्विक रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अंदर कॉमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।